अहले हदीस कौन सी जमात है और किस इमाम की पैरवी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अहले हदीस कौन सी जमात का है और किस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए, तो इस बारे में एक वीडियो क्लिप लेके आया हूं, जो वीडियो क्लिप बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप लोग वीडियो आखिर जरूर इन तक देखिएगा। जो वीडियो में कहा है कि अहले हदीस कौन सी जमात का है, ये हम लोगों से हमने से बहुत लोगों को पता नहीं है कि अहले हदीस कौन सी जमात का है और दोस्तों और कौन सी इमाम के पीछे ये नमाज पढ़ना चाहिए, तो इस बारे में बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो क्लिप लेके आया दोस्तों। आप लोग को रिक्वेस्ट की वीडियो इन तक देखिएगा। हाँ दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप लोग इन तक जरूर देखिएगा। चलो तो अगर ज़कात आप देते हैं, हकदारों का हक देते हैं, तो इंशाल्लाह अजीज बाकी मामले में इंशाल्लाह फिर पूछनी होंगी। किसी ने एक सवाल किया कि अहले हदीस कौन सी जमात है और किस इमाम की पैरवी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अहले हदीस जो है एक जमात है। कौन सी जमात बोलते हैं, एक जमात है, मतलब मैं कैसे इंडिकेट करूँ कि ये जमात है। अब जिस जो अहले हदीस का है वो जमात का आदमी है, वो जमात है, या जिस मस्जिद पे लिखा हो ये मस्जिद अहले हदीस है, ये तो वो अहले हदीस होते हैं, तो वो जमात है। बहरहाल, चूँकि मैं एग्जैक्ट मैं इंडिकेट कैसा कर पाऊँ, चूँकि होलिये से बहुत मुश्किल है। बाकी दूसरे लोगों को मैं कर सकता हूँ कि इनकी होलिये से आप पहचान लेंगे ये कौन है, ये कौन है। अहले हदीस बहुत वैरायटी में मिलते हैं, इसलिए मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कोई एक होलिये से उनको बताऊँ कि ये जमात अहले हदीस है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को किताब व सुन्नत पे होने का दावा करते हैं और कुरान हदीस को मानने का दावा करते हैं और अपने लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सबसे बड़ा इमाम मानते हैं और उनकी इताअत के उनके मुताबिक जिन लोगों ने बात कही, मतलब कुरान और हदीस के मुताबिक जिन लोगों ने बात कही, उन लोगों को, उन उलमा को, उन मुफस्सरीन को, उन मुहद्दिसीन को और सलफ़ सालेहीन को भी वो लोग मानते हैं, वो लोग हदीस अहले हदीस होते हैं। और किस इमाम की पैरवी करते हैं, तो अहले हदीस को एक इमाम की पैरवी नहीं करते हैं। अगर कोई एक इमाम ही आपको सुनना है तो वो इमाम मोहम्मद जो है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी पैरवी करते हैं। और इसके अलावा जितने लोग उसके बाद से आज तक आए जिन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक बात की, वो उन सब की भी पैरवी करते हैं। लेकिन किसी एक की, जैसा हमारे पास होता है हम हनफी, हम शाफी, हम मलिकी, हम हम्बली, या लाएँ, उस तरह से कोई एक इमाम के नहीं। जिसने भी कुरान हदीस की बात मुताबिक बात की, सहाबा में से, उसके बाद इमामों में से, उसके ताबईन में से, तब ताबईन में से, सलफ़ सालेहीन में से, उस ज़माने के लेकर आज तक, उनकी पैरवी और इत्तेबा करते हैं। तो लिहाजा किसी एक इमाम की पैरवी करते हैं तो मुमकिन नहीं बताना, लेकिन तमाम की पैरवी जो किताब व सुन्नत के मुताबिक थे अहले हदीस, उन तमाम की जो है पैरवी करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, किस टाइप के वीडियो से आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारा आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।